हरे कृष्णा। आज आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है, ये रहेगा हमारा टॉपिक। आज काफ़ी वक्त के बाद, यानी कि ऑलमोस्ट 6-7 मंथ के बाद ये डेक यूज़ करने जा रही हूँ। तो इसमें से हम लेंगे 5 कार्ड और ओरेकल में से भी 5 ही कार्ड लेंगे। एक, दो, तीन, 4, 5 और बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये देखा आपने, काफ़ी ज़्यादा परेशान है ये पर्सन। तो शायद कुछ बातें इनको खटक रही है या फिर कहने को बेताब है, लेकिन उन्हें लगता है उस बात से तकलीफ हो रही है इन्हें। शायद आपको वो बातें कह नहीं पा रहे, इस वजह से भी हो सकता है। अब ओरेकल डेक में से देखते हैं, ये भी टैरो ही है। इसमें से भी हम 5 ही कार्ड लेंगे। एक, दो, तीन, 4 और ये 5। शुरुआत करते हैं टैरो से। पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। प्यार के बारे में सोचा जा रहा है, प्यार से जुड़ी जो जो बातें होती है उनके बारे में, इनके जज्बात क्या है ये उनको महसूस हो रहा है। और जैसे यहाँ पे एक छोटी मछली है ये या पानी में है, वैसे ही शायद उन्हें लगता है कि इस प्यार की एनर्जी में वो पूरी तरह से डूब गए हैं और यही है उनकी दुनिया। जैसे ये मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, वैसे ही शायद इस पर्सन को भी लगता है कि आपके बगैर इनकी ज़िंदगी मतलब इम्पॉसिबल। तो ऐसे शायद कुछ ख्याल हो सकते हैं। नेक्स्ट है डेथ कार्ड, एंडिंग और न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है। तो जैसे यहाँ पे डार्कनेस में ये हॉर्स आगे की तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही अगर आप दोनों के बीच में कुछ अगर बहस हुई थी या फिर रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये पर्सन चाहते हैं कि उन प्रॉब्लम्स को साइड में रख के आप दोनों एक दूसरे के साथ एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करें। नेक्स्ट स्टेप फाइव ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये लेडी उदास है और ये मांग रही है कुछ, वैसे ही शायद उन्हें लगता है कि उनको शायद किसी की ऐसी ज़रूरत है कि जो उन्हें समझ के ले। जैसे यहाँ पे ये लेडी क्यों दुखी है, उसकी हालत क्या है, सिर्फ उसको पैसे देके ये काम नहीं हो सकता, उसको सपोर्ट देने की ज़रूरत है, उसको सहारा देने की ज़रूरत है, उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उसकी सिचुएशन क्या है ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही शायद हालात में आपके पर्सन है कि उन्हें लगता है कि आपको वो अप्रोच करे कि तुम मुझे समझो, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ऐसा शायद उनके दिल में कुछ चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप फोर ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये पर्सन मान लो कि ऐसी नुकीली सॉर्ड्स के ऊपर सोने की कोशिश कर रहा है जो किसी के लिए भी बहुत दर्दनाक हो सकता है। तो ये सॉर्ड्स नीचे की तरफ है, यानी कि इस पर्सन को चुभ नहीं रही है, लेकिन ये उनकी इमेजिनेशन है। जैसे मानो हम कहते हैं ना कांटों के बिस्तर पे लेटना, वैसा ही उनका कुछ हो रहा है। यानी कि स्लीपलेस नाइट से तो डेफिनेटली ये पर्सन गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कुछ भी शायद ठीक से प्रॉपर सोच नहीं पा रहे, मतलब बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से ये डिस्टर्बिंग एनर्जी उन्हें फील हो रही है, रेकलेसनेस हो सकता है। और किसी भी हालत में उन्हें शायद वो सब बातें आपसे कहनी है और शायद आपसे कुछ बातों के लिए ये भी कहना है कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, यानी कि थोड़ी सी आपके सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट स्टेप पेज ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन टॉर्स, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। पेज की एनर्जी में थोड़े से हैं इमैच्योर बिहेवियर हो सकता है, मतलब डायरेक्टली अगर तकलीफ में है तो आपको फ़ोन करके मैसेज करके बता सकते हैं हालत क्या है, लेकिन ये आपको बताए ना बताए, आपसे हेल्प ले या ना ले, इसके बारे में सोच रहे हैं। और शायद इसीलिए ये कार्ड हमें मिला 10 ऑफ सॉर्ड्स का, कि अगर उन्होंने ये हेल्प आपसे नहीं ली तो ये अपने आप को इस हालत से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा शायद मुश्किल में फंस जाएंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए इस पर्सन की पीठ के
पीछे अगर किसी ने इतनी शॉर्ट्स घुसेड़ दी है, मतलब किसी ने इसको पीछे से अगर वार किया है, तो ये पर्सन कैसे आगे बढ़ सकता है। तो ऐसी एनर्जी में शायद वो है। और नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पे ही हमें दिख रहा है वो है हैंगमैन का, तो स्टक है ये तो पक्का ही है। तो बाकी के कार्ड्स देखते हैं क्या कहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, पे अटेंशन अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ यू। तो इस पर्सन को लगता है कि सही समय शायद उनकी ज़िंदगी में नहीं चल रहा है और अपॉर्चुनिटी तो है उनके सामने, यानी कि अगर वो हेल्प चाहते हैं आपसे तो आप उनकी हेल्प कर भी सकती हैं या कर सकते हैं, यानी कि यूनिवर्स ने उनके सामने ये ऑप्शन तो रखा है, लेकिन वो इस ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं कि क्या ये इन्हें आपसे ये सब बातें कहनी चाहिए, आपकी हेल्प लेनी चाहिए। नेक्स्ट है टेम्परेंस, टेक अ डीप ब्रेथ, हैव अ पेशेंस एंड स्टे काम, ट्राई टू गो विद फ्लो, फोकस टू बैलेंस ऑन योर इमोशंस। तो ये तो पक्का ही है कि जैसे यहाँ पे हमने देखा कि स्लीपलेस नाइट से ये पर्सन गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है और साथ ही साथ इनको इम्बैलेंस फील हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होके ये सोच ही रहे हैं। नेक्स्ट है टेन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। दो बार 10-10 का कार्ड आया है, यहाँ पे भी 10 ऑफ सॉर्ड्स है और इस कार्ड में भी 10 ऑफ सॉर्ड्स है। तो ये कार्ड कहता है वॉच आउट, लिसन योर इनर वॉइस, इनर वार्निंग वॉइस, मे बी समवन लेट यू डाउन और डिसीव यू। तो इस पर्सन को इंट्यूशंस तो कुछ मिल रहे हैं, यानी कि इन्हें अपने दिल की आवाज़ सुनना है, ये तो ज़रूरी है, लेकिन अगर ये अपने ही दिल की आवाज़ को इग्नोर कर रहे हैं तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। और उनकी दिल की जब भी आवाज़ वो सुनने की कोशिश करते तो शायद उनका दिल यही कहता है कि बात कर लो उससे, तुम्हें शायद हेल्प मिल जाएगी, और ये हेल्प लेने के लिए ही ये पर्सन इतना शायद सोच रहे हैं। नेक्स्ट है स्टार, तो ये विश कार्ड होता है, अ गाइडिंग लाइट इन द डार्क विच विल हेल्प यू टू help to lead you to a place of balance। तो यूनिवर्स की तरफ से भी इन्हें ये गाइडन लाइट मिल रही है, जैसे कि अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर आप डिस्टर्ब है तो किसी से बात करके अपना मन हल्का कर सकते हैं और वो है आप, तो ऐसे ही आप उनके लिए अवेलेबल है और ये वो ईजिली कर सकते हैं। उनको ये इंट्यूशंस दिए जा रहे हैं कि बात कर लो और साथ ही साथ ये बैलेंस भी वो फील कर पाएंगे, लेकिन इट्स अप टू द पर्सन कि उन्हें करना क्या है। नेक्स्ट है द चैरियट, इट्स योर टाइम टू टेक चार्ज एंड मेक decisions टू शेप योर फ्यूचर। तो अपने फ्यूचर को अगर कुछ अच्छा बनाना है तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ही अच्छे भुले डिसीजन से जाना पड़ेगा, ये तो ज़रूरी होता ही है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी को फोकस करेंगे, अपने decisions के बारे में इतना ज़्यादा सोचेंगे और कई बार जब किसी से सलाह मशवरा करेंगे तो शायद हमें आगे बढ़ने में कई बार बहुत आसानी होती है। और ऐसी हालत में शायद ये पर्सन है, यानी कि अगर इस चैरियट की एनर्जी में वो है तो आगे बढ़ के आपसे सलाह मशवरा करके इस पेनफुल एनर्जी से वो निकल सकते हैं, लेकिन अब उन्हें ये तय करना है कि वो बातें आपके साथ शेयर करने के लिए वो रेडी है या नहीं जो उन्हें तकलीफ दे रही है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर।